सॉफ्ट बॉल खेलती नजर आ रही है बल्लभगढ़ की खिलाड़ी पूजा हुड्डा है, जो एक ऑटो चालक पप्पू हुड्डा की बेटी है। आगामी 22 जुलाई को पूजा अमेरिका में अंडर-19 सॉफ्ट बॉल वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत की ओर से जा रही है। आपको बता दें कि पूजा सॉफ्ट बॉल भारतीय टीम की कैप्टन भी हैं। पूजा बचपन में गलियों में क्रिकेट खेला करती थी, लेकिन कॉलेज में आने के बाद उसने वर्ष 2014 में सॉफ्ट बॉल खेलना शुरू किया और इस खेल में उसने जहां पहले जिला स्तर पर गोल्ड मेडल हासिल किया, वहीं उसने स्टेट और नेशनल लेवल पर भी कई गोल्ड जीते। पूजा इस कामयाबी का श्रेय अपने परिजनों को देती है, जिन्होंने गरीबी के चलते उसे किसी किस्म की कमी नहीं आने दी। पूजा को इस बात का मलाल है कि विदेश जाने के लिए उन्होंने CM से लेकर खेल मंत्री अनिल विज तक से मदद की गुहार लगाई, लेकिन चंडीगढ़ में बैठे अधिकारियों ने यह कहकर उनके अरमानों पर पानी फेर दिया कि इस खेल के लिए उनके पास कोई भी फंड नहीं है, जिसके चलते वह उसकी मदद नहीं कर सकते हैं। वहीं पूजा का कहना था कि सरकार खेल नीति की बात करती है, लेकिन उनके अनुसार हरियाणा सरकार की कोई खेल नीति नहीं है। पूजा के पिता पप्पू हुड्डा का कहना था कि दिन रात ऑटो चलाकर और कड़ी मेहनत कर उन्होंने अपनी बेटी को इस मुकाम पर पहुंचाया है, और आज जब वह देश की ओर से अमेरिका खेलने जा रही है तो सरकार कोई मदद करने को तैयार नहीं है। जबकि सरकार बार बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कहती है, लेकिन यह सब बेमानी होता है। उन्होंने बताया कि वह खुद पंचकुला और चंडीगढ़ के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन सरकार ने कोई सुनवाई नहीं करी। पूजा की माँ घूंघट में बात करते हुए पूजा की माँ की जुबान पर उसका दर्द आ गया और वो रो पड़ी। उन्होंने रोते हुए बताया कि वह कई बार पंचकुला से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से पंचकुला कई बार चक्कर लगा चुकी है, और इस दौरान एक बार तो उसके पास घर लौटने के लिए बस का किराया भी नहीं बचा था, और माँ बेटी को एक अनजान शहर में स्टेशन पर ही रात गुजारनी पड़ी। उम्मीद तो जी बहुत है बेटी से, बहुत उम्मीद है जी, बहुत मुसीबत झेली है जी। आप रोइए नहीं, आज देखो ये आपके लिए ये खुशी के आंसू हैं जो आपकी आंखों से निकल रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल रही, कितनी दुख की बात है। दुख बहुत है राजी, कोई मदद नहीं मिली सरकार की। मेरे पर बोल जाएगा जी। क्या आपके दो बच्चे हैं जी, एक बेटा एक बेटी। एक बेटा एक बेटी, हाँ। क्या लगता है, सरकार बार बार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटियों को आगे बढ़ाओ, जिस तरीके से बेटी आगे बढ़ रही है लेकिन पैसे की वजह से मार खा रही है। हाँ जी, सरकार का झूठा दावा है जी, सब झूठी बात है जी। हमने तो सब झूठी लाग गए, कोई सच नहीं लाग दी। क्यों 3-4 बार चंडीगढ़ जाए, चंडीगढ़ तक कहे पंचकूला जाओ, पंचकूला कहे चंडीगढ़ जाओ, दोनों जगह चक्कर काट दे। हंडी जहाँ हमारे पास किराया भी ऑटो वाले बस वाले सब ले ले, पीछे भी नहीं बचते, रोटी खाने के लिए भी नहीं बचते जी, एक दिन रात भूखे रहे चंडीगढ़ में। इतनी मुसीबत आपने देखी, लेकिन आज खुशी कितनी है कि इंडिया की टीम की तरफ से। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है जी, खुशी के आंसू हैं। कितना आशीर्वाद दे रही है कि ये वहां पर गोल्ड मेडल जीत कर लाए। बहुत ज्यादा सरकार को ये कहना चाहूंगी जी, सरकार को ये मदद नहीं कर दी, झूठे दावे कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये झूठे दावे जी। हमने खूब सारे सबके गेट खुड़का लिए, कोई मदद नहीं करता जी। वोट लेने के टाइम पर तो घर पर आ जाएंगे, और वो कोई मदद नहीं करता उस टाइम पर, कहेंगे हम मदद करेंगे वोट लेने के टाइम पर, तो मेरी वोट दे मेरी दे, कोई किसी की मदद नहीं करता जी। मैं तो ये कह रही हूँ, कोई किसी की वोट दे ना अपने घर में धरकर बैठ जाओ। तो हमने पता मेरी गेल बीती है, जो बीती है रात स्टेशन पर रात काटी हमने, पूरी रात बिना खाना खाए। बोले सुबह वो 5 बजे, फिर बोले 5 बज गए, अब 5 बजे बाद कोई काम नहीं होगा, कल आइयो। इतने हमारे पास पैसे नहीं थे, हम फिर स्टेशन पर गए, स्टेशन पर रुके पूरी रात। पूरी रात जो हाँ जी के साथ। हाँ जी, स्टेशन पर बैठ कर रात काटी पूरी रात, फिर स्टेशन पर अगले दिन फिर हम 10 बजे पहुंचे ऑफिस में, फिर किराया दिया हम ऑटो का जो पैसे थे, तो हमने खाना नहीं खाया। बच्ची कही गई मम्मी भूख लग रही है, मेरे पास पैसे नहीं थे। सर मेरा पप्पू नाम है, मैं ऑटो का ड्राइवर हूँ। पहले गली में क्रिकेट वगैरह खेलती थी, वहाँ जाके इसने पता किया भाई मैं क्रिकेट है, उन्होंने बोला क्रिकेट नहीं है, तो ये बोली मैं सेफ्ट बॉल खेलूँगी। उनका सर ने बोला तू ऐसा कर क्रिकेट खिलाड़ी है तो सेफ्ट बॉल खेल, तो इन्होंने सेफ्ट बॉल चालू कर दिया। इसके बाद जैसे कहीं टीम जा रही है, इंडिया लेवल पर जा रही है या नेशनल लेवल पर जा रही है या स्टेट लेवल पर जा रही है, वहाँ से इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो जो खर्चा मैं ऑटो से कमाता हूँ बच्चों पर खर्च करता हूँ। एक बेटा है, इससे बड़ा है, बेटी छोटी है,
बेटा आईपीएस की तैयारी कर रहा है और बेटी जो है पढ़ा के ये खेलों में जा रही है। सर मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे इतना नाम कर देंगे। पढ़ाई में भी बच्चे होशियार हैं, खेलों में भी होशियार हैं और हर तरह से मेरे कोई सरकार से कोई हेल्प नहीं मिली है। दूसरी बात, मैंने अपनी मेहनत से किया है, ये बच्चों के पीछे जो भी कर रहा हूँ बच्चों के पीछे कर रहा हूँ। आज बल्लभगढ़ शहर में रह रहा हूँ, मैं रेंट पर रह रहा हूँ, जो किराया होता है वो भी दो दिन चार दिन आगे पीछे करके देता हूँ, लेकिन बच्चों के लिए टाइम पर पैसा देता हूँ। चाहे मांग के ले आया हूँ, चाहे घर वाले की चीज़ रख के ले आया हूँ, चाहे आप जैसे जो किसी से हेल्प मांगी या ऑटो से दिन रात मेहनत की है, दिन में भी चलाता हूँ, नहीं पूर्ति करती तो रात में भी चलाता हूँ, तब ये बच्चों के इस मुकाम तक मैं लेके आया हूँ। सरकार से मदद मांगी आपने? सरकार से मदद मांगी, मैंने टेकचंद शर्मा जी से बोला, विधायक जी से बोला जी, उन्होंने अपना लेटर पेड पर लिख के दिया कि आप पंचकूला जाओ, अनिल ब्रिज मिलेंगे, वहाँ जाके आप उनसे बात करना, वो आपकी हेल्प करेंगे। तो उनकी टेकचंद शर्मा जी की तरफ से मेरे को हेल्प मिली। मेरे को वहाँ अनिल ब्रिज के पास गया तो उन्होंने बोला कि 8 दिन में अंदर इसकी बेटी का पैसा दे दो, इसको खेलने जाना है इंडिया लेवल पे। वहाँ से मुझे कोई हेल्प मिली, वहाँ भी ना ही मिली है। मतलब कि जो खेल मिनिस्टर है उनके विज साहब के लिखने के बावजूद मदद नहीं मिली? नहीं सर, मेरे कोई हेल्प नहीं मिली। मैंने यहाँ कोई विधायक नहीं छोड़ा, कोई मतलब सचिव नहीं छोड़ा है। अपने डीसी साहब से मिला हूँ, डीसी साहब ने 2 बार लेटर लिख कर भेजा है। अपने 12 सेक्टर में एक लेडीज है, नहीं लेडीज नाम क्या है, क्या नाम है उसका, जैसे नाम है 12 सेक्टर जो हेड है, उन्होंने मेरी मैडम, उन्होंने भी 2 बार लेटर लिख के खंडेलवाल जी को भेजा है। खंडेलवाल जी बोलते हैं वहाँ से कि भाई हमारे इस पर इसके पास पैसा नहीं है, इस लेके इस गेम के लिए पैसा पैसा नहीं है। लेकिन इस बात को वो नहीं मानते हैं कि हरियाणा की एक ही छोरी इंडियन सॉफ्टबॉल टीम की कैप्टन बनकर वहाँ खेलने जा रही है अमेरिका में। अब सर मैं तो उनके पास कई बार रिक्वेस्ट कर लिया, 2 बार मैच चले गया, 3 बार मैंने अपनी मैसेज भेज दी कि आप जाके उनसे तसल्ली करो कि मैं जाता हूँ तो ऑटो कौन चलाए, इनका खर्चा कहाँ से दूँ, कि जाने आने में किराया लगता है, बाजी बात इसकी मम्मी को भेजता हूँ साथ में, दोनों माँ बेटी जाती हैं, हमें भी जोर आता है कि सर माँ बेटी जा रही है इतनी दूर, लेडीज वैसे हैं, जेंट्स साथ में नहीं है। अब देखो हर चीज़ का फिक्र भी रहता है जी, फिक्र रहता है, जब तक नहीं आते मेरा फिक्र रहता है। मैं ये अपील करना चाहता हूँ जो बच्चा गरीब का है वो उसको खेलने के लिए सरकार पैसा दे। वैसे तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी के लिए इतनी हेल्प नहीं कर सकते जो इंडिया लेवल के लिए खेलने जा रही है, इंडिया का नाम रोशन करने जा रही है। जो एक खिलाड़ी है, खिलाड़ी के तौर पर फिर टीम की कैप्टन है, उसको गवर्नमेंट कुछ नहीं करना चाहिए। तो मैं तो गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, या तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मत दो, अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं तो वो बेटी का हेल्प भी करो। पूजा हुड्डा। क्या गेम खेलते हैं? सॉफ्टबॉल प्लेयर हूँ मैं। कब से इस गेम में आई? मैंने 2014 में इस गेम की शुरुआत करी थी, स्टार्टिंग से 2014 से। हाँ जी। तो किस इस गेम की तरफ क्यों आकर्षित हो? क्योंकि पहले मेरे को क्रिकेट पसंद था, मैं ऐसे गलियों में बच्चों के साथ क्रिकेट खेलती थी, मेरे को बैटिंग करने का बहुत शौक था स्टार्टिंग से बचपन से ही। उसके बाद पर मैं कभी क्रिकेट खेल नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे कहीं क्रिकेट गर्ल्स की अकेडमी नहीं थी, जिस वजह से मैंने क्रिकेट को छोड़ा। फिर मैंने अग्रवाल कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ पे मैंने पूछा कि क्रिकेट है कि नहीं है, तो उन्होंने मेरे को बोला यहाँ पे क्रिकेट नहीं है, बड़ा सॉफ्टबॉल खेल सकती हो क्योंकि उसमें भी आपको बैटिंग करनी है, सेम सब क्रिकेट की तरह होता है। तो फिर मेरे कोच ने मेरे को सॉफ्टबॉल में खिलाया। 2014 में मैंने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड मेडल लिया था, मैं फर्स्ट टाइम खेलने गई थी उस टाइम। पहली बार खेलने गई? हाँ, पहली बार मैंने गोल्ड मेडल जीता था हरियाणा से। और उसके बाद कितने इनाम जीते, कहाँ कहाँ खेले? उसके बाद मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी 4-5 गोल्ड मेडल लिए, और स्टेट में भी मेरे हर बार गोल्ड मेडल ही आया है, 2014 से लेकर अब तक का गोल्ड ही है मेरे पास सारे मेडल्स। आज आप किस मुकाम पे खड़ी हैं इस गेम को लेके? अब मेरा सिलेक्शन इंडिया टीम में हो चुका है, मैं पूरे हरियाणा से एकमात्र हूँ जो इंडिया टीम के लिए जा रही हूँ, इंडिया टीम में खेलने के लिए। हमारी टीम अमेरिका जाने वाली है 22 तारीख को, वहाँ पे 24 से 30 तक सॉफ्टबॉल की वर्ल्ड चैंपियनशिप है अंडर-19 की, तो मेरा सिलेक्शन उसके लिए हो चुका है हरियाणा से। अच्छा, जिस तरीके से आप इस मुकाम पर पहुंची है, हरियाणा की एकमात्र खिलाड़ी हैं, और इसके लिए आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्या घर वालों को क्या सपोर्ट मिलती थी आपको? घर वालों की तो मेरे को पूरी सपोर्ट रहती थी, उनकी वजह से मेरे को तो उनका शुक्रिया करना चाहूँगी कि मैं आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ। उन्होंने मेरे को यहाँ तक लाके खड़ा किया है कि मैं मीडिया के सामने आ रही हूँ आज, और सबको पता लग रहा है कि हाँ मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने वहाँ पर जा रही हूँ, और मैं भी ये चाहूँगी मैं वहाँ पर अच्छे से मेहनत करूँगी ताकि मैं अपने देश के नाम गोल्ड मेडल कर सकूं और अपनी फैमिली और सबका नाम भी ऊंचा कर सकूं।
आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा ड्राइवर है, उन्होंने ड्राइवरी से ही हमें यहाँ तक के पढ़ाया। पहले मेरे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया जिसकी फीस भी महंगी थी। 18वां स्कूल है बल्लभगढ़ का, वो सबसे अच्छा बेस्ट स्कूल माना जाता है। उसके बाद मेरे को अग्रवाल महाविद्यालय में एडमिशन दिलवाया। 3 साल मैंने वहाँ बीए करी है अभी, और मैंने बीए फाइनल के ही एग्जाम दिए 3 साल तक। पिताजी आपके ऑटो चलाते हैं, किस तरह से घर का गुजारा होता है और किस तरीके से आप लोगों पर वो खर्च करके आज आपको इस मुकाम पर लाने में कामयाब? वो अपनी मेहनत से ही, वो अपनी मेहनत के पैसे कमाते, अपनी मेहनत से ही जो पैसा कमाते वो सारा हमारे ऊपर ही लगाते हैं। तो खेलने जाते हो कहीं भी तो क्या सारा खर्चा कौन देता है? जब मैं खेला तो सारा खर्चा मेरे को मेरे फैमिली वाले ही देते हैं स्टार्टिंग से ही। नहीं, आपने अब कभी, आपको जिस मुकाम पे आप पहुंची हैं, सरकार से आपने अपील की है मदद के लिए, क्या सरकार ने, खेल विभाग ने, खेल मंत्रालय ने कोई आपकी मदद की है? नहीं, खेल मंत्रालय ने कोई मदद नहीं करी। एक बार हरियाणा के सीएम खट्टर साहब वो यहाँ पे आए हुए थे सब्जी मंडी में, तो मैंने उनको अपनी एप्लीकेशन दी, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को ले लिया, उन्होंने बोला हाँ ठीक है बेटा जो मेरे से होगा मैं करूंगा। फिर हम चंडीगढ़ गए थे सीएम के हाउस पर ही, तो वहाँ पे उनका पीए बैठा हुआ था, उन्होंने बोला नहीं ऐसे कुछ नहीं होता, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं करता तो कितना दुख हुआ उस टाइम पे? हमें बहुत दुख हुआ था, पर दोबारा हमने अपनी फाइल को अनिल विज जी के पास लगाई, उन्होंने सिग्नेचर कर दी मेरी फाइल पे कि हाँ इसको कुछ करना चाहिए इस बच्चे के लिए, पूरे हरियाणा से एकमात्र खिलाड़ी है जो इंडिया के लिए सिलेक्ट हुई है। तो उन्होंने एप्लीकेशन पे सिग्नेचर कर दी, वो एप्लीकेशन पंचकुला में जाके रुक गई वो फाइल। फिर हम दोबारा यहाँ से पंचकुला गए, फिर पंचकुला का सारा प्रोसेस पूरा करा, फिर वो फाइल हमारे चंडीगढ़ गई। वो फाइल चंडीगढ़ में दोबारा रुक गई जाके खंडेलवाल जी के ऑफिस पे, फिर वो फाइल उन्होंने बोला कि ये फाइल गलत बनी हुई है, फिर उन्होंने दोबारा हमें पंचकुला भेजा, अब वो फाइल दोबारा खंडेलवाल जी के ऑफिस में ही है। कौन कौन लोग गए थे आपके साथ उस वक्त? मैं एक दो तीन बार तो मैं और पापा जा चुके, और 3-4 बार मैं और मम्मी गए थे। ऐसी क्या बात है कि एक बार वहीं पे आपका इन्हीं चक्रों में कभी पंचकुला, चंडीगढ़, फरीदाबाद से, बल्लभगढ़ से आना जाना, तो अब वहाँ पर वापसी आने के लिए बस के पैसे भी नहीं बचे? हाँ, क्योंकि वहाँ पर और चंडीगढ़ महंगा शहर है, तो वहाँ पे ऑटो का और बस का किराया जो वो भी बहुत ज्यादा महंगा है, बार बार चक्कर लगाने से तो वहाँ पे मतलब सारे पैसे खर्च हो गए थे किराए। फिर कैसे आए वापस घर? वहाँ पे बस वाले को हमने बोला कि बल्लभगढ़ जाके आपको हम पैसे दे देंगे, फिर बल्लभगढ़ आए तो फिर पापा ने उसको दिए बल्लभगढ़ आके। मतलब कितनी मुश्किलों का दौर रहा है आपका? एक तो गर्मी का टाइम था उस टाइम, और ऊपर से मतलब दुख भी हुआ कि हरियाणा से मैं एक मात्र लड़की हूँ जो खेलने जा रही हूँ, बट फिर भी सरकार का सपोर्ट नहीं मिला। वैसे बोलते हमारी खेल नीति है, पर मेरे को नहीं लगता कि आज की डेट में उनकी कुछ भी खेल नीति है। बेटे, आप इंडिया की टीम में सिलेक्ट हुए हैं, हरियाणा की एकमात्र खिलाड़ी हैं, हरियाणा को आप पर गर्व होना चाहिए। और आप क्या कहना चाहेंगे खेल मंत्रालय से, अनिल विज जी से और मुख्यमंत्री से? मैं मुख्यमंत्री जी को तो यही कहना चाहूंगी कि अगर उन्हें काम करना तो उन्हें पहले मेरे को हाँ नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे झूठा आश्वासन नहीं देना चाहिए था। वो बल्लभगढ़ आए थे उन्हें तभी बोलना चाहिए था बेटा मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ मैं हेल्प करूंगा, ऐसे झूठ बोल के फिर हम चंडीगढ़ गए, पार्क मतलब सब परेशान भी हुए, टाइम भी वेस्ट हुआ, मैंने अपनी प्रैक्टिस भी छोड़ी, ग्राउंड नहीं जा पाई मैं उस टाइम में। और उसके बाद मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर हेल्प करो तो किसी बच्चे की अच्छे से करो, ताकि वो पहले अपने आप को रिप्रेजेंट करे, फिर वो इंडिया को मेडल ला के देगा। अगर बच्चा बाहर खेल के आता है और उसके बाद उसे पैसे मिलते हैं तो मैं नहीं मानती उन पैसे का कुछ फायदा होता है। क्या अपील करना चाहेंगे टीवी के माध्यम से कि सरकार आपकी बात सुने? मैं तो यही कहना चाहूंगी सरकार को कि उन्हें सब बच्चों की मदद करनी चाहिए। बस यही है कि आज की डेट में जो अमीरों के बच्चे होते हैं वो सब कुछ गेम खेल जाते हैं, पर गरीबों के बच्चों में जुनून होता है तो मतलब वो खेल नहीं पाते पैसों की वजह से। पिताजी आपकी ऑटो चलाते हैं, हाँ, कैसे मैनेज करते थे, कैसे जाते थे, कैसे प्रैक्टिस करने जाते थे? हो गया।